यहाँ पे इस तरह ऐसे खड़ा कर देना है सिंपली। तो आप देख सकते हो मैंने कैसे खड़ा कर दिया, और आपको यहाँ बस ऐसे जंप का बटन दबाना है और बूम गाइस, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं अभी टीममेट के ऊपर फ्लोट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मुझे इस बंदे की पूरी पोजीशन पता चल रही है और मैं हर तरफ देख सकता हूँ। और गाइज आप सोच रहे हो कि मेरा सर थोड़ा बाहर जा रहा है, तो बट गाइज ऐसा नहीं है, ऊपर वाले बंदे को बिल्कुल पता नहीं है कि मैं उसको देख रहा हूँ, उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है और मैं यहाँ से उसको शूट भी कर सकता हूँ। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। वो भी ये ट्रक के पीछे यहाँ पे जहाँ पे मैं आ रहा हूँ वहाँ पे आपको सिंपली आना है, प्रोन करना है, धीरे धीरे एनालॉग लेफ्ट लेना है, उसके बाद यहाँ पे आके क्राउच कर देना है और फिर सो जाना है यहाँ पे और गन इक्विप करना है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि जैसे कोई बंदे यहाँ पे आए आप आसानी से फायर उन पर छोड़ सकते हो, उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि गाइस कोई इस जगह पे कैंप कर रहा है। ऑल राइट गाइस, तो अभी आप स्क्वाड हाउस में पुश करने जाते हो और आपको पता चलता है कि एक बंदा कैंप कर रहा है और आपकी एचपी बहुत लो हो चुकी है अभी। तो ऐसे टाइम पे मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा जिसके थ्रू आप किल कंफर्म कर सकते हो आपका, आपके पार्टनर को आप यहाँ पे खड़ा रखना है इस तरीके से और आपको दरवाजे के ऊपर जंप मारना है। तो जैसा आप देख रहे हो मैं दरवाजे के ऊपर खड़ा हो चुका हूँ पार्टनर के हेल्प से, और मैं सीधा से जंप का बटन दबाकर घर के अंदर घुस गया। सपोज आप स्कूल बिल्डिंग में अकेले हो तब आपको लगता है कि अपने तीन चार जन रश करने आने वाले, तब आपको यहाँ से जंप मारना और लेफ्ट मूवमेंट ले लेना, तब आप यहाँ पे चिपक जाओगे। तब उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि बंदा कहाँ पे गया, उन लोग तो खिड़की से बाहर देखेंगे तो भी आप दिखोगे नहीं और अंदर ढूंढेंगे तो भी आप दिखोगे नहीं। तब अगर आपको लगता है कि सिचुएशन राइट है तब आप जाके सीधा शूट कर सकते हो। ये देखो ये जो है यहाँ पर कैसे चढ़ोगे, तो ये बहुत ही स्पेशल पेड़ है, यहाँ पर अगर आप चढ़ गए तो जो जब भी रश होता है तो गाड़ियाँ यहीं पे लगती हैं, तो उनको आप आसानी से नॉकडाउन कर दोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको नीचे वाले पेड़ के फ्लोर पर कैसे चढ़ना है, तो उसके लिए यहाँ पर आइए और खाली स्प्रिंट करके जंप कर दीजिए, बस आप यहाँ पर आ जाओगे। तो याद रखना जंप करते टाइम कि आप यहीं पर एम करके जंप करना, आप पेड़ पे अगर पत्तों पे अगर जंप करोगे तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है, तो उनको आप आसानी से जैसी गाड़ी लगेगी आप उसको यहाँ से मार सकते हो। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, इसको ज़रूर यूज़ करना। क्या करना है कि इस कमरे में जाइए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बहुत लोगों के साथ होती है कि आप इस कमरे में वो उस कमरे में, तो यहाँ से आप निकलिए बाहर, उसके बाद आसानी से इस बंदे को नॉक कर दीजिए। तो यहाँ पर छत पर आके आप ऊपर जो सीढ़ियों पर बंदे कैम करते रहते हैं उनको भी आसानी से आप ग्रेनेड से नॉक कर सकते हो, गन से आप नॉक नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल है। तो इस ट्रिक को भी आप, जब आपकी लोकेशन जो है 700 मीटर दूर हो तो आप किस तरह से जंप लगाएं, दोस्तों यहां पर आपको बिल्कुल भी 1500 मीटर पर जंप नहीं लगानी है। जब इस तरह से लोकेशन हो कि आप जो है 700 मीटर तक पहुंच जाओ तो आपको जो 720 मीटर पर जंप लगानी है और क्राफ्ट का जो है टॉप व्यू देखना है, जब टॉप व्यू दिखे तब आपको यह जंप लगानी है और 700 मीटर दूर हो आप अपनी फेवरेट लोकेशन पर। उसके बाद आपको अपनी जॉयस्टिक जो है इसी डायरेक्शन में रखनी है जिस डायरेक्शन में मैंने रखी हुई है, और राइट से बिल्कुल डाउन कर देना है जिससे कि वो 234 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो नीचे जाए। फिलहाल जो है मैं यहाँ पर उतर चुका हूँ, अब दिखाता हूँ आपको ऊपर को फेस करके, अभी तक मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर। और अभी देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों कम से कम 6 टीम यहाँ पर उतरी है और इन सभी से पहले जो है मैं यहाँ पर आ, इसके ऊपर कैसे चढ़ सकते हो, इसके लिए क्या करना, क्या गाइस आपको अपने फ्रेंड को जो है पास में खड़ा करना है, उस पर दोस्तों आपको यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ना है, फिर आपको अपने फ्रेंड के ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी है। लेकिन गाइस एक बार तो अनसक्सेसफुल हो गया, चढ़ जाओगे यहाँ पे देखिए 100% मैं जो इसके ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ने के बाद आपको ऊपर वाला बटन वापस से क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए बूम गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ इसके ऊपर की तरफ। अब देखिए ऊपर की तरफ अगर आप आ जाओगे ना तो इजीली गाइस आप इजीली कोई बाहर अगर एनिमी घूम रहा है एनिमी को पता थोड़ी हो कि आप ऊपर चढ़ गए हो, ओके कोई नहीं जानता कि ऊपर कैसे चढ़ा जा सकता है, ऊपर चढ़ के गाइस इजीली जो है किसी भी एनिमी का इजीली जो है किल। बिल्डिंग में आप देख सकते हो ये जो सी बिल्डिंग्स होती है और इस तरह से इस पोजीशन पे कोई बंदा कैंप कर रहा है, तो मैं अभी आपको दूसरी बिल्डिंग में करके दिखाऊंगा कि इस ऐसे बंदे को मारना कैसे है। अभी मैं आपको दिखा दूँगा आपको करना कि आपको बस छत पे आना है ऐसे करके, और आपको छत पे आके क्या करना है इस पीछे ऐसे जंप करना है स्प्रिंट और फिर जंप का बटन एक और बार देख सकते हो, आपको बस स्प्रिंट करना है और जंप का बटन एक और बार दबाना है। तो जो जो विंडो होती है ये वहाँ पे लेज ग्रैब फीचर जो आया उसका यूज करके ये सीधा सेकंड फ्लोर पे आ जाएगा। ये भी पता होना चाहिए कि जो PUBG हमारा एनिमी आता है ना उसके जो हमें फुटेज सब दिखाई देते हैं वो कितने मीटर पे दिखाई देते हैं, तो हमें सबसे पहले जो होते हैं ना हल्के ऑरेंज वो हमें दिखाई देते हैं 30 मीटर से या 20 मीटर से, उसके बाद हमें जो हल्के से डार्क होंगे वो होंगे 15 मीटर पे, और उसके बाद जो और भी ज्यादा डार्क एकदम रेड हो जाएंगे वो होते हैं हमारे 10 मीटर पे, जिसके जरिए हम फील कर पाते हैं अनुभव कर पाते हैं कि भाई एनिमी जो है हमारे पास आ चुका है। एंड जब यार एनिमी बिल्कुल हमारी बगल में आके खड़ा हो जाता है ना तब तो हमें पता ही चल जाता है, जब लाल लाल धब्बे हमें चारों तरफ दिखाई देने लग जाते ना तो यार वो तो हमें सब कुछ पता चल ही जाता है।